प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी ने, ममता कुमारी जी ने और बिष्ट जी ने तो बहुत विस्तार से, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जो वास्तव में बहुत व्यवहारिक थे। और आपने उस दिन जब वो हमारी नाबार्ड और सब बैंकों की स्टेट होल्डर्स की जो बैठक की थी बहुत शानदार थी, और उसको आज आपने यहाँ भी बढ़ाया है। विपिन गुप्ता जी ने, जो अध्यक्ष हैं हमारे CII के, पंकज गुप्ता जी तो हमेशा ही हमें अच्छे सुझाव देते हैं, और अनिल जी ने हमारा प्रोत्साहन किया कि जो काम हुए हैं उसको आपने, चूँकि आज नई बात उन्होंने जरूर करी लेकिन पिछली बातों को भी, कई बार लोग जो पीछे होता है उसको भूल जाते हैं, तो आपने उसको भी स्मरण सबको करवाया। हमारे युवा अभ्युदय शर्मा ने होम स्टे के बारे में, सड़क के बारे में यहाँ सभी का ध्यान आकृष्ट किया, और हमारे पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने उसको नोट भी किया है। संदीप सिंह रावत जहरी खाल वालों ने, हमारी बहन गीता दीदी ने, गीता मौर्या जी ने, लखपति दीदी, संतोष नेगी जी ने चंबा में जो मशरूम उत्पादन करने वाले हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि की, चूँकि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो उनको लगता है कि मेरे लिए होना चाहिए, लेकिन आपकी बात सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वो सारे प्रदेश के लिए होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे नैम्बर सिंह रावत जी ने उत्तरकाशी पशुपालन, जो भेड़ पालन करने वाले हैं, दुष्यंत रावत जी ने डेयरी पालन करने वाले, डॉक्टर आलोक जी टेहरी वाले, कुंदन सिंह पवार हॉर्टिकल्चर, विवेक भारती जी ने जो सगंध की खेती के संबंध में अपने सुझाव दिए हैं, अन्य भी आप सब लोगों के बहुत सारे सुझाव यहाँ होंगे, लेकिन सभी के सुझाव हम लोग सुनना भी चाहते थे लेकिन नहीं सुन पा रहे हैं। जिनके नहीं सुन पा रहे हैं उनको मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूँ कि आप सबके बहुमूल्य सुझाव हमारे लिए बहुत आगे का हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे, इसलिए आप सभी लोग अपने सुझाव आगे भी दे सकते हैं। यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं आप सभी का, पिछले वर्ष भी हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत की थी और इस वर्ष फिर से शुरुआत की है, मुख्य सेवक सदन है, और इसमें जो पिछली बार आए थे उनका भी स्वागत है, जो पहली बार आए हैं उनका भी मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और 2024-25 के लिए जो हमारा बजट आना है, उस बजट के लिए हमने हर वर्ष एक नई व्यवस्था, एक अभिनव पहल शुरू की है कि हम सबके सुझाव मांगते हैं, क्योंकि ये बजट केवल सरकार का एक औपचारिक दस्तावेज नहीं है कि फॉर्मेट में बनकर आया और उसको प्रस्तुत कर दिया जाए। मेरा मानना है कि इसमें सभी की भावनाएं, सभी की आशाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं वो सम्मिलित भी होनी चाहिए, और आम जनता, सामान्य जनता की जो ज़रूरतें हैं या उनके लिए जो समाधान है वह भी इस बजट में आना चाहिए, किसी न किसी रूप में उनकी सहायता होनी चाहिए। और भाइयों बहनों, जब से मैंने इस दायित्व पर काम करना शुरू किया, तब से लगातार जन सहभागिता हर क्षेत्र में हो इसको महत्वपूर्ण माना है, इसीलिए लोगों के बीच में आकर हम हमेशा बात करते हैं, क्योंकि जो बजट है वो जन भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए। और मेरा मानना है कि अर्थव्यवस्था की जो प्रगति है उसका जो सीधा संबंध है और उसके जो सुझाव हैं वो बजट निर्माण में बहुत सहायक होते हैं। आज भी आपने देखा कि उन्होंने, संदीप जी ने वहाँ से टिहरी से मशरूम के क्षेत्र में एक सुझाव दिया, और हमें लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। अन्य भी जो होम स्टे चलाने वाले हैं, हमारी लखपति दीदी, उन्हें सुझाव दिया, अभी अनेकों ऐसे ऐसे सुझाव आप सबके बीच में से आए जो बजट में सम्मिलित किए जा सकते हैं, क्योंकि बजट हमारी आर्थिक स्थिति और जो भविष्य है उसका एक तरह से दर्पण है। हमारे बजट का केंद्रीय बिंदु उत्तराखंड का
समग्र विकास है, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमसे अपेक्षा की है, हमारा उन्होंने प्रोत्साहन भी किया है, हमारा उत्साहवर्धन भी किया है कि उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो वो कहीं ना कहीं हम सब के मन में एक जिम्मेदारी का जो भाव है, हमारा जो कर्तव्य बोध है, उसकी ओर भी ध्यान इंगित करता है। तो इसलिए उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में विकास होना आवश्यक है। सतत विकास, समावेशी विकास, नवाचार तथा प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास, यही हमारा मूल मंत्र है जिससे हम इस दशक को उत्तराखंड का दशक बना सकते हैं। और उत्तराखंड को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना, इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। प्रदेश का जो घरेलू सकल उत्पाद है GSDP वो बढ़े, अब ये सोचने वाली बात है कि ये हमने भी क्यों शुरू किया होगा। आप लोगों के मन में विचार नहीं आया कभी कि ये नई बात क्यों शुरू हुई? हाँ, आप बताइए सोना दीदी, क्यों सोचा होगा ऐसा हमने? उठो कोई थोड़ी देर। बहुत अच्छा, और बताइए, आप भी बताइए कुछ। प्रोफेसर साहब आप बताइए। जन सहभागिता हो हर आदमी का, उसमें इनपुट्स आए, मिले, GDP बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और कोई बताएगा? बहुत अच्छा, देखिए, अच्छा, हाँ बोलिए। बहुत अच्छा, बिल्कुल, आप सब लोगों ने इतने अच्छे अच्छे सुझाव दिए। देखिए, अपनी अपनी बात करी, इसलिए कि आपकी बात भी आ जाए इसमें, क्योंकि जो हम करना चाहते हैं वो किसके दम पर करेंगे? वो आप सबके दम पर करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? दे दीजिएगा, मैं ला लीजिए। हाँ बोलिए, चलिए। नहीं, हम काम कर रहे हैं इस पर, एक अभी कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं जल्दी, वो भी इसमें एग्जीबिशन के भी काम आएगा। तो ये देखिए, जो हमने GSDP बढ़ाने का जो संकल्प लिया है, वो GSDP अपनी हम कैसे बढ़ाएंगे, किसके दम पर बढ़ाएंगे? हमारी ताकत तो आप ही सब लोग हैं भाई, सरकार की ताकत हमारे विभिन्न समूह हैं, आम जनता के बीच में से आने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो हैं, और आप सभी जो हमारी ये अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के नौका के खेवनहार हैं।
जब आप किसान, उद्यमी, ट्रांसपोर्टर, बैंकर, स्वयं सहायता समूह, शिक्षाविद के रूप में जो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उस भूमिका का आप सब निर्वाह करते हैं, तो असल में आप सब लोग उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं जिस दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस दशक को उत्तराखंड का दशक बताया। और GSTP जो बढ़ाने की बात है, GSTP को जो डबल करने की बात है, उसी काम को आप सब बढ़ाते हैं, आप वो सब काम कर रहे हैं। और जब आप लोग सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपनी भूमिका को और अच्छे से और नवाचार के साथ करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, प्रदेश की उन्नति होगी, प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छी मेहनत करने से न केवल आप अपना विकास करेंगे, अपना व्यक्तित्व बढ़ाएंगे, अपना विकास करेंगे, अपना जो आपका संस्थान है, उद्योग है, व्यापार है, या जो भी काम आप कर रहे हैं, उस काम को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचाने का काम करेंगे और प्रदेश और देश में उसकी प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसलिए हमने इस बजट को जनता का बजट का नाम दिया, जैसा अभी आदरणीय प्रेमचंद जी अग्रवाल जी ने कहा। और आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चारों ओर विकास हो रहा है। उत्तराखंड में आप देखिए, चाहे आज चार धाम ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला की रोडें हों, पर्वतमाला हो, डेडिकेटेड ट्रेल फ्रंट कॉरिडोर हो, ऐसे अनेक परियोजनाएं व्यापार और उद्यम को नई ऊंचाइयां आज हमको मिल रही हैं। हवाई सेवाएं जिस प्रकार से बढ़ी हैं, आज मैं समझता हूँ भारतवर्ष के हर एक शहर के लिए हमारे देहरादून से हवाई सेवा प्रारंभ हो गई है। हम आने वाले समय में प्रयास कर रहे हैं कि अभी अगर हमको ठीक प्रकार से अगर जो भूमि इत्यादि की व्यवस्था हो जाती है, कुछ अड़चने हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, अगर हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देहरादून का भी और उधम सिंह नगर में पंत नगर का भी, दो बिल्कुल बनाने पर हम विचार कर रहे हैं। अभी एलिवेटेड रोड की बात हुई थी, देहरादून से दिल्ली का सफ़र बहुत आसान हो जाएगा और उसके साथ साथ चुनौती भी हमारी बढ़ेगी, आप कह रहे थे अभी, तो वो चुनौती भी ध्यान में है। अब हम जितनी भी बैठक करते हैं, जितनी मीटिंगें करते हैं, उनमें हमेशा ये कहते हैं कि आने वाले सालों में हमारे लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। अब दिल्ली कोई रुकना भी नहीं चाहता, ज़्यादा NCR में भी नहीं रहना चाहता, जानते क्यों? AQI जो है वहाँ का बहुत ज़्यादा है। और आजकल मैं तो कभी दिल्ली बीच में रुका था तो मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या बिल्कुल कोई दिखता ही नहीं है अभी। तो इसलिए दिल्ली देहरादून की दूरी कम हो जाएगी पूरा NCR के लिए। ये हमारा देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, पुरी, आसपास का क्षेत्र और उधर रामनगर हल्द्वानी भी सड़क जिस तरह से बन गई है, तो मुश्किल से सब 4-5 घंटे में आराम से पहुंच जाया करेंगे। तो 4-5 घंटे कुछ नहीं होता, फ्राइडे हुआ और लोगों ने अपना सामान डाला और वो यहाँ आ जाएंगे। तो उसी के हिसाब से हमको अपनी अवस्थापनाओं पर भी ध्यान देना है, जो हम लोग ध्यान दे रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मानस खंड माला मिशन हमारा चल ही रहा है, ऑल वेदर रोड, एलिवेटेड रोड, रोप वे परियोजनाएँ, वंदे भारत, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जैसी अनेक परियोजनाएँ आज प्रदेश के अंदर तेज़ी से बढ़ रही हैं। हमारा एम्स यहाँ पर अच्छा चल रहा है। अभी ऑल रिंग रोड की आप बात कर रहे थे, वो ऑलरेडी प्रस्तावित है, रिंग रोड है। और भी जो हमारे यहाँ पर तमाम अच्छे रास्ते हम बनाने के लिए प्रयासरत हैं, कुछ PPP मोड में हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा कॉरिडोर, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। यहीं पर कालसी के पास हरिपुर शहर बसाने पर भी हमारा काम शुरू हो गया है, वह भी हमारा काम चल रहा है। ऐसी अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से आज प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य में भी गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। GST कलेक्शन भी हमारा बड़ा है, अभी आदरणीय प्रेम जी ने बताया इसको बहुत विस्तार से कि वास्तव में मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि जैसे जैसे हम लोगों ने प्रयास शुरू किया, शुरुआत में तो बड़ा अंदर से एक हमारे मन में भी
संदेह था कि आखिर क्या होगा, कैसे होगा, 5,000 करोड़ का एकदम से हमारा जो मिलने वाला हमको भारत सरकार का अनुदान था वो समाप्त हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से आज हमारी आर्थिक व्यवस्था चल रही है, या जिस प्रकार से GST कलेक्शन हो रहा है, या जिस प्रकार से आज हमारे हर काम में लोग काम आगे बढ़ रहे हैं, उद्योग के क्षेत्र में भी एक बड़ा लोगों का रुझान हमारी तरफ आया है और देश दुनिया के अंदर एक अच्छा माहौल बना है। मुझे एक बात और अच्छी लग रही है आप सबसे कहते हुए कि मैं पूरे मतलब पूरी दुनिया के अंदर तो नहीं गया, लेकिन दुनिया के कुछ देशों में गया, भारत के प्रमुख शहरों में गया, तो हर एक उत्तराखंड वासी को जो उत्तराखंड का है उसको भी अब एक गौरव की अनुभूति हो रही है कि हम लोग उत्तराखंड के हैं, देवभूमि के हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि इस दौरान जरूर हम लोगों के उसमें हुई है और हर उत्तराखंड वासी को लग रहा है कि अब हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, हर क्षेत्र में हम नंबर वन बन सकते हैं। आज औद्योगिक निवेश की जो स्वाभाविक पसंदीदा भूमि है वह भी देवभूमि बन रही है, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण है, निर्बाध जो आपूर्ति विद्युत की है, कनेक्टिविटी है, बेहतर कानून व्यवस्था और सुशासन के जो मानदंड होते हैं वो हमारी एक विशिष्ट पहचान बनती जा रही है। सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र पर काम करते हुए हमने कई सारे नीतिगत सुधार भी किए हैं, बहुत सारे निर्णय लिए हैं, क्योंकि हमारा स्पष्ट मत है कि जिन नीतियों में व्यवहारिकता नहीं है, यानी कि जो हम प्रैक्टिकल रूप से नहीं कर सकते हैं, उन्हें दूर करते हुए उनमें आवश्यक परिवर्तन किया जाए। भारत सरकार ने भी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हजारों की संख्या में ऐसे कानून थे, नियम थे, उनको हटाने का काम किया है, जिसके कारण से बहुत लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार ने जो निवेश है उसको प्रोत्साहित करने के लिए भी अनेक नीतिगत निर्णय लिए, नई पॉलिसी बनाई, MSME की पॉलिसी है, टूरिज्म पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी, ड्रोन पॉलिसी, एग्रो पॉलिसी, एन 27 से ज़्यादा, लगभग 30 हो गई जनाब, 30 पॉलिसी लगभग हमने नई बनाई, और जिनमें ये ज़रूरत हुई कि ये राज्य के लिए ज़रूरी है, राज्य में निवेश के लिए, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, आर्थिकी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, तो उसमें हमने आवश्यक रूप से संशोधन भी किया और उसमें उदार रवैया भी अपनाया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक क्षेत्र के साथ वैकल्पिक ऊर्जा, पर्यटन तथा उद्योग के लिए भी आज एक सकारात्मक माहौल यहाँ बना है। हमने जो लक्ष्य रखा था, निवेशक सम्मेलन जो देहरादून में हुआ, जिसके कारण से देहरादून की भी तस्वीर बदल गई, और मैं तो कह रहा था कि जो है वो जो सर्वे है हमारा स्वच्छता का, अगर वो अब हुआ होता तो कहीं हमारा जो है रैंकिंग थोड़ा नीचे आ गई होती है, वो शायद पहले का होगा, तो लेकिन हमने मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अब होता तो उस दिन, जिस दिन इन्वेस्टर समिट का समापन हो रहा था, तो मैं मंच से कह रहा था कि ये इसका समापन जरूर हो रहा है लेकिन हमारी शुरुआत हो रही है, हमने एक नया काम शुरू किया है, एक हमने नया प्रयास प्रारंभ किया है और इसको हमने आगे बढ़ाना है। अब जो स्वच्छता हो गई है, जो सड़कों का निर्माण हो गया है, अच्छी ड्राइंग पेंटिंग जो बन गई है, उसको हमने एक तो माने सस्टेन रखना है, उसको उसी प्रकार से बना के ही नहीं रखना है बल्कि उससे आगे भी जाना है। तो इसके लिए मैंने पुलिस के DGP को, हमारी मैडम बैठी हैं इनको, हमारे ये आनंद वर्धन जी को, सब लोगों को, यहाँ के DM को, नगर निगम वालों को, MDDA वालों को, पुलिस प्रशासन को, सबको कहा कि वे इसकी एक वीडियोग्राफी करवाइए, क्योंकि हो ये रहा था कि अभी मुझे लोगों ने बताया है कि इन्वेस्टर सबमिट होने के बाद फिर से जो है वही जो आगे तक ठेला लग जाता है, अतिक्रमण हो जाता है, गंदगी फेंक देते हैं, वो सब काम फिर से शुरू होना शुरू हो गया था। तो इसको बना के रखना, ये कहीं ना कहीं हमारी जो ये टीम बैठी है, ये जो क्रीम बैठी है, इस क्रीम का भी जो है हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, उद्योग क्षेत्र के लोग भी हैं, बैंक क्षेत्र के भी, प्रशासन के भी, शिक्षाविद भी हैं, व्यापार के भी हैं, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले, पशुपालन के क्षेत्र में काम करने वाले, सारे एक से एक विद्वान लोग हैं आप लोग, समाज के मैं कहूँ कि प्रतिनिधि हैं और समाज को नेतृत्व करने वाले हैं।
तो केवल और केवल मैं ऐसा मानता हूँ, इतना जितना भी मेरे को समय हुआ है समाज के क्षेत्र में काम करने का, कि केवल सरकार सारी चीज़ें नहीं कर सकती है। सरकार आगे चल सकती है, सरकार समन्वय कर सकती है, सरकार एक नोडल का काम कर सकती है, लेकिन वो जब तक जन जन का अभियान नहीं बनेगा, जब तक हर एक के मन में भाव नहीं आएगा। अब मैं हर बार अभी यहाँ से हमारे वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि हम उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाएंगे, और हमने कहा है सशक्त उत्तराखंड, उत्कृष्ट उत्तराखंड, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ उत्तराखंड, आदर्श उत्तराखंड। तो ये आदर्श उत्तराखंड की जो बात करते हैं हम, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे सामने एक तरह से हमारे सामने लक्ष्य रखा है कि ये पूरा का पूरा दशक उत्तराखंड का दशक हो, और जो हमने विकल्प रहित संकल्प रखा है, वो विकल्प रहित संकल्प कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। अभी भी मैं बार बार कहता हूँ, आप हमेशा देखते होंगे, मैं अपने जब भी मैं कहीं पर अपना संबोधन करता हूँ तो मैं अंत में ये बात जरूर कहता हूँ। तो ये केवल मेरा विकल्प रहित संकल्प नहीं है, ये मेरा एकमात्र मेरा विकल्प नहीं है, मेरा संकल्प नहीं है, ये संकल्प हमारे उत्तराखंड के 125 करोड़ लोगों का संकल्प है। उस और जो ये यात्रा है, ये यात्रा हमारी सामूहिक है, और भगवान की बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। आप देखिए अभी कितने सारे हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, अंडरलाइन भूमिगत केबलें जा रही हैं, सीवर लाइनें बन रही हैं, हमारे शहर अच्छे बन रहे हैं, सड़कें अच्छी बन रही हैं, और तमाम व्यवस्थाएं, रेल की सेवा, हवाई सेवा, हर क्षेत्र में हम आज एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो वास्तव में हम उस दिशा में जा रहे हैं, अब हमको बस अपनी जिम्मेदारी का ठीक प्रकार से निर्वहन करना है, ठीक उस दिशा में बढ़ना है। और इसीलिए हमने जब यहाँ इन्वेस्टर सबमिट किया था, मैं उस बात को फिर से कह रहा हूँ कि 2.5 लाख करोड़ रुपये का हमने एक तरह से लक्ष्य रखा था, और ये लक्ष्य भी पंकज जी बड़े संकोच करते करते रखा था। तो मेरे से बहुत लोगों ने कहा फ़ोन करके, मैं सच आप लोगों से एक बात साझा करना चाहता हूँ कि मुझे मेरे कुछ बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जो राजनीति के क्षेत्र में नहीं हैं, लेकिन उस समय समय पर उनको लगता है कि कोई मुझसे अतिशयोक्ति हो रही है, तो वो मुझे चेताने का काम करते हैं। तो ज़्यादातर मैं ज़्यादा बोलने पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं बोलता कम ही हूँ, जितना कर सकता हूँ उससे कम ही बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ उससे थोड़ा कम बोलूँ, जितना खा सकता हूँ उससे, जैसे कई बार खाना खाने के ना, मैं आजकल रोज़ कहता हूँ इनसे कि कम खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि इसमें वास्तव में ज़्यादा हो गया। एक मित्र का फ़ोन आया, उसने कहा कि अरे आपने 2.5 लाख करोड़ बोल दिया ये तो। मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसा बोला तो नहीं है, लेकिन चलो आ गया होगा। तो बोले कि नहीं, 2.5 लाख करोड़ तो बहुत ज़्यादा है, ये कहाँ से, इतना आ ही नहीं सकता आपका। तो अब मुझे भी पता नहीं, मैं भी सोचने लगा कि कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया। मैंने कहा चलिए अब तो बोल दिया है तो अब तो पूरा करना है। फिर हमने मीटिंग वीटिंग करी और जो है हर हालत में इसको पूरा करना है। और हम जैसे ही पहले दिल्ली गए, दिल्ली में पहले दिन ही हमारा जो है 15,000 करोड़ का जो है सीधे 16,000 करोड़ रुपये का निवेश वो करार हो गया। फिर हम लंदन गए तो हमारा 12-14 हज़ार करोड़ का वहाँ हो गया, और हर बार बढ़ता चला गया। और लगभग ये मानिए कि जिस दिन हम इन्वेस्टर समिट का जो मेन कार्यक्रम कर रहे थे, उस कार्यक्रम तक हमारा 3 लाख करोड़ का MOU साइन हो चुके थे, एक बड़ी उपलब्धि। और दूसरी बात क्या थी, जब ये कर रहे हैं उसके बाद सारे लोग कहते थे MOU तो हो जाते हैं जी, अब ग्राउंडिंग कैसे होगी, ये तो एक औपचारिकता होती है, आ जाते हैं लोग कर भी देते हैं, कई बार मन होता है तो ग्राउंडिंग करते हैं, नहीं तो नहीं करते। क्यों मीनाक्षी, ऐसे ही होता। तो हमने कोशिश करी कि कम से कम हम जो है इस कार्यक्रम के होने तक इसको ग्राउंडिंग करें, और कार्यक्रम तक हमारी 44,000 करोड़ की जो है ग्राउंडिंग भी हो गई है अभी तक। और आने वाले समय में बहुत सारी परियोजनाएं हमारी, कुछ जो गंगा का वो गंगा बेसिन है उसके कारण से कुछ रुकी हुई हैं, कुछ अन्य कारणों से रुकी हुई हैं, लेकिन अच्छा निवेश हमारा ग्राउंडिंग होगा, हमें ऐसा भरोसा है, और लगातार हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
इससे जो प्रस्ताव आए हैं इससे बेहतर परिणाम कैसे आ सकते हैं, हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, योजनाएं सभी अच्छी होती हैं क्योंकि इनका मूल उद्देश्य विकास और जनकल्याण है। मूल प्रश्न है नियत का और नीति का कि हम करना क्या चाहते हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबके समक्ष एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी नियत भी साफ है, नीति भी साफ है और हमारी सोच स्पष्ट है और दृष्टि व्यापक है। जैसा अनिल भाई ने कहा कि जो है कैसे पार्किंग होगी, कैसे लोगों के रहने की व्यवस्था होगी, कैसी सड़क होगी, जाम लगेगा, तो उस दिशा में व्यापकता से हम सोच रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब महज शब्द नहीं, ये एक यथार्थ है और अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान संरचना और उभरती हुई गतिशीलता हमें यह भरोसा दे रही है कि आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था में और तेजी आएगी और गति आएगी और हम सब के सामूहिक प्रयास से प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करने में ये सारी बातें हमारी सहायक सिद्ध होंगी। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो निश्चित रूप से धरातल पर उतरेगा। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने बजट से पहले आप सबके सुझाव लिए हैं, आप सबसे संवाद किया है और इस संवाद से बजट को हम सर्वव्यापी बनाएंगे, सर्वग्राही बनाएंगे, सर्वस्पर्शी बनाएंगे, यानी कि सभी को लाभ पहुंचाने वाला बजट बने, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने वाला बजट बने। पिछले 23 वर्षों में हमने कई सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं लेकिन हमें अभी बहुत आगे जाना है। उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाना है। हमने निश्चय किया है कि देवभूमि उत्तराखंड को एक प्रगतिशील, उन्नत एवं हर क्षेत्र में आदर्श बनाकर देश का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारी अर्थव्यवस्था के लगभग जितने भी आयाम हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी प्रतिनिधियों के हमने विचार यहाँ पर सुने हैं और राज्य के विकास के लिए आपके प्रयास और सुझाव महत्वपूर्ण हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमें बेहतर सुझाव देकर इस बजट को जनता का बजट बनाने में जिनके अभी सुझाव रह गए हैं उनके भी सुझाव प्राप्त होंगे, आपका सहयोग मिलेगा, आपका समर्थन मिलेगा, आपकी शुभकामनाएं मिलेंगी, तो निश्चित रूप से हम जिस दिशा में सोच रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं, हम उस दिशा में